वंदे गोमातरम। आज गोमाता के लिए हरे चारे की गाड़ी आई है। गो भक्तों देख सकते हो, आज हमारे प्रिय गो भक्त और गौशाला के उपाध्यक्ष गो भक्त दलपत सिंह जी, ठाकुर साहब स्वर्गीय इंद्र सिंह जी, राजपूत चौहान परिवार चौरा ठिकाना चौरा के गौ भक्तों की तरफ से है। हमेशा गौ माता के लिए तन मन धन से समर्पित है हमारे दबसा, जो प्यार से दबसा कहते हैं, बाकी पूरा नाम दलपत सिंह जी है। और बहुत ही अच्छे गौ भक्त है जो तन मन धन से गौ सेवा में जुड़े हुए हैं। गौशाला के उपाध्यक्ष भी हैं और समय समय पर गौ सेवा में देख रेख करते हैं, पूरा गौ सेवा के प्रति प्यार और प्रेम रखते हैं। आज हमारे गौ भक्त बाबूलाल जी, रामलाल जी भी उपस्थित है हरा चारा गौ माता को खिलाने के लिए। और आप देख सकते हो ऐसे गौ भक्तों, कमजोर बछड़ियाँ आती है, इन्हें हरा चारा दवाई दे करके पूरा तैयार करते हैं। ये देखो ऐसे विकलांग है, अंधी गौ माता है, अंधे बछड़े हैं, ऐसे बछड़ों की सेवा हो रही है आप देख सकते हो। ये आज हरा चारे की गाड़ी के लाभार्थी बने हैं। हमारे दलपत सिंह जी के जागरण में बोली हुई राशि आज गौ माता के लिए जमा करवाई, हरा चारा लाए हैं आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे गौ भक्तों को, धन्य जो गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं आप देख सकते हो। आप देख सकते हो गौ माता के लिए हरा चारा परोसा जा रहा है और ये नज़ारा गोदाम चौरा का आपके सामने है। गौ भक्तों आप देख सकते हो, आप सभी गौ भक्तों की बदौलत छोटे प्यारे कमजोर बछड़े जो बीमार हालत में हैं, आपको मैं फोटो और प्रतिदिन आप फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देखते ही हैं, ऐसे आते हैं, उन्हें दवाई ट्रीटमेंट हरा चारा पौष्टिकार लापसी बांटा सभी प्रकार की सेवा इन्हें दी जाती है और सेवा दे करके तैयार किया जाता आप देख सकते हो। और आपको मौजूदा जो कमज़ोर बछड़े आते हैं उनके लिए अभी टाकी वगैरह आपको मौजूदा मिलेगा। हाँ, ये ढोलाती है देख सकते हो आप, अभी तक इनके टाकी मिट्टी नहीं है। तो ऐसे कमज़ोर बछड़ों को ला करके तैयार किया जाता सभी गौ भक्तों के सहयोग और आशीर्वाद से आपके सामने है सेवा आप देख सकते हो। गौ सेवा के साथ साथ में ये वृक्षारोपण का भी कार्य है, आप सभी गौ भक्तों की बदौलत देखने को मिलता है। एक बार आप मौका मिले तो गोदाम चौरा में जरूर पधारे और गोदाम चौरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप पूरी सेवा देख सकते हो। श्री रामदेव वात्सल्य गोदाम चौरा नाम है चौरा इस गौशाला का, तो आप एक बार विजिट जरूर करें और गौ सेवा में सहयोग करें। यह है संवर्धन की गौ माता जो गौशाला में छांट छांट करके जो दूध देने लायक है, और जो कमजोर बीमारियां बछड़ियां कोई आई है तो उनकी नस्ल देखो, कमजोर अच्छी गौ माता की नस्ल भी हो सकती है, ऐसा जरूर नहीं है भूख और प्यास की वजह से कमजोर हुई है। तो उन्हें तैयार करने के बाद में ये जो संवर्धन की हुई गौ माता की लगभग 50 की जनसंख्या पूरी गौशाला में छांट करके संवर्धन की गौ माता तैयार किया है जो अच्छा दूध दे सके और फिर वापस गौ भक्तों के घरों में इन गौ माता का स्थान हो, इनके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इतने में से बचा करके 50 गौ माता फिर रिटर्न तैयार कर दिया गया है ताकि गौ भक्तों के घरों में इनका निवास हो और दूध देवें। ये आप सभी गौ भक्तों के सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद गौ भक्त हमारे दलपत सिंह जी, आपने आज गौ माता के लिए हरा चारा भेजा। जय गौ माता, जय गोपाल।